अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल स्पाइस खाना विद नाज़िया में आपका वेलकम है। आज मैं आप लोगों को 3 kg कश्मीरी चिकन मसाला बनाना बताऊंगी, जिससे आपके 20 मेहमान आसानी से खा सकते हैं। इस तरह से बनाएंगे तो आपके चिकन एकदम जूसी और सॉफ्ट बनेगी। चिकन के साथ साथ इसकी ग्रेवी बहुत ही टेस्टी होती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले चिकन को हमें क्लीन करके अच्छे से वॉश कर लेना है, क्योंकि चिकन को हमें मैरिनेट करना है, जिसके लिए 2 चम्मच हल्दी पाउडर हमें देना है, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच नमक, 1 नींबू को निचोड़ कर देना है, 1 कप स्मूथ दही देना है। अब हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है कि सारे मसाले चिकन में अच्छे से मिक्स हो जाएं। सारे मसाले चिकन में अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसे मैरिनेट होने के लिए 1 घंटा छोड़ देना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इसे आधे घंटे के लिए भी रख सकते हैं। चिकन हमारे मैरिनेट हो रहे हैं, तब तक इसके ग्रेवी को रेडी कर लेते हैं। तो 1/2 कप हमें तेल को सबसे पहले गर्म कर लेना है। कुछ खड़े मसाले इसमें जाएंगे, 4 स्टार फूल, 4 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 2 तेज़पत्ते, कुछ काली मिर्च के दाने। अब हमें 1/2 kg प्याज को स्लाइसेस में कट करके देना है गरम तेल में, और इसे हमें फ्राई कर लेना है। तब तक फ्राई करना है जब तक कि प्याज का कलर हमारे चेंज ना हो जाए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्याज का कलर हमारे चेंज हो गया है। इसी पॉइंट पर हमें 4 से 5 कटे हुए टमाटर को देना है, देकर हमें इसे मिक्स कर लेना है। अब हमें कुछ स्पाइसी पाउडर मसाले को ऐड करना है। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच नमक, 4 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट देना है। अब हमें इन्हें मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट पका लेना है, जिससे कि अदरक लहसुन और टमाटर का कच्चापन निकल जाएगा और टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे। पकते हुए 2 मिनट हो गए हैं, तो अदरक लहसुन और टमाटर का कच्चापन भी निकल गया है, टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 4 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे कलर बहुत बढ़िया आएगा, 3 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/2 मिनट को मिक्स करते हुए हमें 1 मिनट पका लेना है। अब हमें सारे मैरिनेटेड चिकन को दे देना है। देकर इन्हें हाई फ्लेम पर 5 मिनट मसालों के साथ चिकन को हमें भूंज लेना है। बीच बीच में इन्हें हमें चेक भी करते रहना है, नहीं तो सारे मसाले हमारे सड़ जाएंगे। चिकन को भूनते हुए 5 मिनट हमें हो गए हैं। अब इसमें हमें पानी ऐड करना है। मैं यहाँ 1.5 कप पानी को ऐड कर रही हूँ। अच्छे से हमें इन्हें चला लेना है। चलाकर हमें इन्हें कवर करके 15 मिनट मीडियम फ्लेम पर हमें पका लेना है। बीच बीच में हमें 1 से 2 बार इन्हें चेक भी कर लेना है, जिससे हमारे मसाले सटे नहीं, जले नहीं। और फिर से इन्हें हमें कवर कर देना है। पकते हुए 15 मिनट हो गए हैं, तो इन्हें चेक कर लेते हैं। 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर हमें देना है, 4 से 5 हरी मिर्च को देना है,
कुछ कटे हुए धनिया के पत्ते, कश्मीरी चिकन मसाला हमारा बनकर रेडी है सर्व करने के लिए। बहुत ही टेस्टी और स्पाइसी होती है, तो आप देख सकते हैं कि इसका कलर भी कितना बेहतरीन आया है और खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी होती ही है। तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करें क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन डिश है। इसे पुलाव, फ्राई राइस, नान और पराठा के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरी ये रेसिपी को लाइक करना ना भूलें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर से शेयर करें। आपके घर में कोई भी गेस्ट आए तो इसे बनाना बिल्कुल ना भूलें। एक नई रेसिपी के साथ मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।